सभी को कोरोना नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल इन द 10+1 बायोलॉजी क्लास। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ बायोलॉजी क्लास विद मी विजय कुमार, लेक्चर इन बायोलॉजी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबो, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। आई वॉन्ट टू वेलकम यू ऑल एंड आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल because you have opted biology as your main subject। मेरे बच्चों, मैं आपको congratulate करता हूं इस विषय को choose करने के लिए। It's a splendid science। और मैं आपको बता दूं कि आप एक महत्वपूर्ण विषय को पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको पता है बायोलॉजी क्या होती है? व्हाट इज बायोलॉजी? और आज की इस पहली क्लास में आई विल मेक अ कमिटमेंट विद यू एंड दिस इज दैट बायोलॉजी इट विल रियली ग्रोस ऑन यू, इट विल रियली ग्रोस ऑन यू, ये आपके ऊपर छा जाएगा विषय। ये मेरा कमिटमेंट है आपसे। और मैं आपको बता दूं, यू आर गोइंग टू स्टडी द साइंस विद डाइवर्सिटी। यू विल सी इन द पिक्चर, यू फाइंड दैट यू नो दिस अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विच हैव द लाइफ एंड एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ, whether water, whether land, whether air, it have life in various form. These various forms, these are diversity. ये जो विभिन्न प्रकार के जीवन इस धरती पर पाए जाते हैं, इन्हें जैविक विविधता, biological diversity कहा जाता है। हम, आप, plants, microorganisms, ये सारे के सारे इसी जैविक विविधता का पार्ट है। आप पिक्चर में देख रहे हैं, कुछ वाटर एनिमल्स हैं, कुछ लैंड के ऊपर रह रहे हैं, सम यू विल सी देम इन द एयर आल्सो। वन थिंग मोर, आई लव बायोलॉजी एंड इट इज देयर, यू विल लाइक इट एंड यू विल आल्सो स्टार्ट लविंग बायोलॉजी आफ्टर गोइंग थ्रू दिस कंटेंट्स। इसके बाद आप भी पसंद करेंगे बायोलॉजी को, एक नया अनुभव आप महसूस करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। वन थिंग टू टेल यू, बीइंग अ बायोलॉजिस्ट वी मस्ट थिंक पॉजिटिवली एंड योर परसेप्शन इज योर रियलिटी। मैं आपको बता दूं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, वही वास्तविकता होती है। And make a bow, don't worry, I am always with you, my dear friends or my dear students. I am going to make you the line of the biology. You must be the line of biology, not be the mere spectator, as you will see in the picture. आपको मैं biology के शेर के रूप में देखना चाहूंगा, my dear friends. There are certain questions in your mind. आपके दिमाग में कुछ प्रश्न चल रहे हैं, जैसे what is biology? Biology होता क्या है? What we are going to study? हम पढ़ने क्या जा रहे हैं इसमें? How to study and become a doctor or become a doctor? हम ऐसा क्या पढ़े और किस तरह से पढ़े कि हम डॉक्टर बन जाए? और इससे भी ज्यादा मैं आपको बता दूं, What are different careers after studying medical, especially biology? ये भी आपके दिमाग में चल रहा है कि हम बायोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट रख रहे हैं, तो इसके बाद कैरियर के रूप में हम क्या क्या ऑप्ट कर सकते हैं? जरूरी नहीं है आप डॉक्टर ही बने, आप इसके अलावा बहुत ऐसे ऑप्शन में आपको बताऊंगा, धीरे धीरे आपसे एक्सप्लोर करूंगा कि आप और क्या क्या कैरियर ऑप्शन ले सकते हैं। ये भी 10+1 क्लास, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसमें हमें लेके चलना पड़ेगा। सभी बातों के आंसर मेरे पास है। Let's move in. Let's start learning with me, Vijay. My dear friends, biology
What is biology? Biology is life. It is the science of life. जहां कहीं भी जीवन है वहां पे बायोलॉजी है. हम में, मुझ में, आप में. हम भी लिविंग है, हम में भी जीवन है. इट मीन बायोलॉजी इज विद अस. तो डरने की कोई बात ही नहीं है. हमारे अंदर बायोलॉजी है तो फिर डर किस बात का बच्चों? इसे तो हम सीख ही लेंगे. इसका मतलब कि अगर हम बायोलॉजी को स्टडी करेंगे तो हम अपने बारे में सीखेंगे. दिस प्लांट्स दे आर ऑल्सो लिविंग. इसका मतलब कि हम प्लांट्स के बारे में भी सीखने जा रहे हैं. दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. ये तो बहुत ही रोचक है, रुचिपूर्ण है. आप चिंता ना करें, मैंने जैसे आपसे वादा किया है, आई लव इट एंड यू विल लाइक एंड लव इट द बायोलॉजी. इट्स द ग्रेट साइंस माय डियर फ्रेंड्स. कुछ बातें जो करना चाहूंगा आपसे बायोलॉजी के बारे में, वो ये इंपॉर्टेंट जो अब आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे. बायोलॉजी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और बातें मैं आपसे पहलू डिस्कस करना चाह रहा हूं, वो ये है कि यहां क्रैमिंग का कोई काम नहीं है. एक्टिफिकेशन नहीं चाहिए, क्रैमिंग नहीं चाहिए आपको. इट इज वेरी इजी साइंस. व्हाट कुछ टेक्निकल पॉइंट्स के साथ हमें स्टडी करना पड़ता है. जैसे मैं आपको बता दूं कि हम जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें यह लगता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से जो टर्म्स हैं, जो शब्द हैं, इसमें जो वर्ड्स हैं, वो कुछ अलग से होते हैं. तो पहली बात मैं आपको बता दूं वो क्यों अलग है. व्हाई दे आर डिफरेंट माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर चिल्ड्रन. ये इसलिए है बिकॉज द अर्लियर वर्कर्स, अर्लियर साइंटिस्ट ऑफ दिस फील्ड, दे आर ग्रीक एंड रोमन्स. दे नो द ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज. उनको आती ही ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज थी, इसलिए उन्होंने नाम क्या दिए, अपनी भाषा में दिए. शायद हम उनकी जगह होते तो आज जो बायोलॉजी आप पढ़ रहे हैं वो हमारी लैंग्वेज में होती, हिमाचली लैंग्वेज में होती, हिंदी में होती, या किसी और लैंग्वेज में भी टर्म्स हुआ करती, या नाम हुआ करते, या शब्द हुआ करते. तो डरने की बात नहीं है. इसका यह मतलब नहीं है कि हमें जो है वो कोई स्पेशल कोर्स करना पड़ेगा. मैं आपको एक फंडामेंटल रूल आपको बता रहा हूं जो बायोलॉजी में आपको अपनाना है. वो क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ वर्ड्स. हमने संधि विच्छेद पढ़े थे ना बेटा. आप यहां पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने लिखा है बायोलॉजी और मैं लिखा इट कंसिस्ट ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, वन इज बायोस एंड लोगोस. हमने स्प्लिट कर देना है वर्ड को, बायोलॉजी को स्प्लिट कर दिया बायोस एंड लोगोस. बायोस का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? लिविंग और लाइफ. और लोगोस का मतलब क्या होता है बेटा? इट इज स्टडी. तो फिर तो अगर हमने इसको तोड़ के देख लिया तो व्हाट इज बायोलॉजी नाउ? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस. है साइंस, है विज्ञान, है. इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्योंकि अब तो बायोलॉजी जब भी आपके सामने कोई बोलेगा या आपके सामने कोई लिखेगा तो आपके दिमाग में क्या बात आ जाएगी? बायोस एंड लॉगोस. ये आपने देखना है. मैं ऐसी ही सारी बातें आपको बताऊंगा, ऐसी ही सारी टर्म्स आपको क्लियर कराऊंगा बेटा. तो नीड नॉट टू वरी अबाउट दीज टर्म्स. इट विल बी वेरी इजी व्हेन वी आर इन द 10+1 क्लास, बायोलॉजी क्लास. Then we think that our teacher is equivalent to the God. वो है, वो भगवान ही है. पर जब वो टर्म्स को लिया करते थे हमें लगता था ये कैसे याद करते होंगे. What it is quite easier to us now. उन्होंने भी हमें ऐसे ही सिखाया था जो मैं आपको सिखा रहा हूं कि हमें स्प्लिटिंग करनी है. तो what is biology now? It is the branch of science which deals with the study of living organisms or life. जहां जो लिविंग है उनमें जीवन है और जिसमें जीवन है वो लिविंग है, तो हमें पता ही है. आई विल से सम वर्ड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द बायोलॉजी. और मैं एक ही बात रखूंगा, हिस्ट्री बहुत, इट द बायोलॉजी इज अ ग्रेट सब्जेक्ट विद अ ग्रेट हिस्ट्री. पर मैं बात करूंगा वो तो एंशियंट टाइम से, वेदों के टाइम से, सिंस द टाइम लॉन्ग वेद्स आर देयर, उस समय से बायोलॉजी है. लेकिन इट इज समवेयर ड्यूरिंग द 300 BC. देयर वॉज अ मैन whose name is Aristotle. On the screen you will see there Aristotle. इनका जीवन काल 320 से लेके 385 BC तक कर रहा था. इस ड्यूरेशन में कहीं उन्होंने एनिमल्स को पढ़ना शुरू किया एंड फॉर दैट रीजन ही इज क्रेडिटेड एज द फादर ऑफ बायोलॉजी. पहले व्यक्ति थे इसलिए ने फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है बेटा. So now what is the biology? It is very clear. जैसे ही biology का आया, the branch of science which deals with the study of living organism. Need not to remember, need not to cram. Okay. Now, see here.
I must want to tell you that it was not the Aristotle who gave the name, who gave the word virus. कहाँ 300 BC? क्या आपको पता है ये नाम और ये शब्द किसने दिया था वायरस? क्या Aristotle ने दिया या किसी और ने दिया? The answer is here, my dear friends. There were two scientists independently. अलग अलग चीजों नाम दिए थे. वन इज जीन बैप्टिस्ट डिलेमा एंड वन इज गॉटफ्रेड रेनहोल्ड ट्रेवल्स. 1802 AD में इन्होंने ये नाम दिया था. काफी समय के बाद 300 BC के बाद इन्होंने नाम दिया और द टर्म बायोलॉजी इज नाउ इन द एग्जिस्टेंस. माय डियर फ्रेंड्स, देयर आर मोर देन or there are hundreds of the branches of biology are there now. Out of these, two are main. One is zoology and one is botany. जैसे zoology और botany आपके सामने लिखा है तो दिमाग में चल रहा है कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे, ये होता क्या है. नहीं, not to worry again. पहली क्लास में मैं बता रहा हूं, मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं जो आपको पूरे biology के करियर में काम आएंगे. Listen भी be very careful, my dear friends. These are the two main branches. One is zoology and one is botany. The other branches are there. One is morphology. Then one is anatomy. One is more concerned, which I have not written in the slides. It is histology. ये anatomy के साथ ही concerned है. आगे मैंने slides में discuss किया है. यहां लिखा नहीं है पर हिस्टोलॉजी HISTOLOGY. देन वन मोर इज देयर, इट इज फिजियोलॉजी. वन मोर टैक्सोनॉमी, देन जेनेटिक्स, देन सेल बायोलॉजी एंड अदर्स आल्सो. सेल बायोलॉजी एंड अदर्स, देयर आर मेनी मोर, मेनी मोर्स वी विल स्टडी इट. देन हाउ टू रिमेंबर व्हाट इज जूलॉजी, सी इन द पिक्चर. क्या है बच्चों पिक्चर में बताइए मुझे. बिल्कुल, वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं और वर्ड्स आर ऑल्सो एनिमल्स. वी आर ऑल्सो एनिमल्स, वी ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एनिमल्स. वर्ड्स भी एनिमल्स है, हम भी एनिमल्स हैं. ओके, और कई बार हम घूमने जाते हैं तो हम बोलते हैं, अभी तो लॉकडाउन में हम नहीं जा पा रहे हैं, पर मैं बता दूं हमारे देश के साइंटिस्ट जरूर कामयाबी हासिल करेंगे और हमें इस महामारी जो COVID-19 है इससे छुटकारा मिल जाएगा और भविष्य में आप बच्चे डॉक्टर और साइंटिस्ट बनेंगे. और आप बायोलॉजी के लोग ही आज देखिए इस COVID-19 के लिए कितना काम करते हैं. तो जूलॉजी, ये एनिमल्स आपको दिख रहे हैं. हम बोलते हैं कि जब हम घूमने के लिए जाते थे लॉकडाउन से पहले तो हम पूछते थे बच्चों को स्कूल में कहां गए थे बच्चों छुट्टी में, बोलते सर जू घूम के आए. देन वी विल इजली आस्क दी आपने कहां वहां पे क्या देखा. सर हमने लायन देखा, जिराफ देखा, वो एनिमल्स देखे, एलिफेंट देखा. तो दिस इज समथिंग द स्टडी ऑफ एनिमल्स, क्योंकि मैंने इसको रिलेट किया है. हाउ टू रिमेंबर द जूलॉजी नाउ, फिर द्वारा क्राइम करने की नहीं है. वी हैव टू स्प्लिट द वर्ड. लेट अस सी हियर द जूलॉजी. द वर्ड जूलॉजी कंसिस्ट ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स माय डियर फ्रेंड्स. वन इज जू मीनिंग एनिमल्स एंड लॉगोस मीनिंग स्टडी. जब हमें स्प्लिट कर दिया तो अब तुम्हें पता लग ही गया व्हाट इज जूलॉजी. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ व्हाट, एनिमल्स. बिल्कुल सही कहा आपने. और मैंने बोला इट वॉज द एरिस्टोटल हु स्टडीड फॉर द फर्स्ट टाइम द एनिमल्स. सो एरिस्टोटल इज क्रेडिटेड विद द फादर ऑफ जूलॉजी आल्सो. नाउ वन मोर ब्रांच इज देयर माय डियर फ्रेंड्स, इट इज बॉटनी. व्हाट इज दिस बॉटनी, व्हाट इज इन बॉटनी, सी इन द पिक्चर. आई हैव राइट रिटन देयर, लेट्स शेक हैंड विद प्लांट्स. हमें पौधों के साथ मिलकर चलना पड़ेगा, otherwise there is no development. If we cut the plant there is no development, because plants are very important, because they sustain our environment. Hamare vatavaran ko bana ke rakha hua plants ne, pata hai aapko. Botany ko aap kaise yaad rakhenge ki wo plants se kaise relate karti hai, kaise wo study plants ki hai, iske liye aapke samne screen pe aa raha hai botany. The botany, the origin of the botany word, इट इज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बोटेन. बोटेन का क्या मतलब होता है? इंग्लिश में पास्चर कहते हैं, ग्रासलैंड कहते हैं.
हिंदी में चारागाह या घास नहीं कहते हैं, हमारी लोकल भाषा की बात करो तो इसे रुट्टा भी कहते हैं, कुछ एक जो डिस्ट्रिक्ट है हमारी। चारागाह में, ग्रासलैंड में, देयर प्लांट्स आर देयर, ग्रासेस आर प्लांट्स, सो ग्रासलैंड हैव द प्लांट्स, सो अल्टीमेटली बोटेन रेफर टू प्लांट्स। वेरी सिंपल, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ओके, देन द एरिस्टोटल के ही कॉन्टेम्प्रेरी साइंटिस्ट रहे हैं थियोफ्रेस्टस, ही स्टार्ट स्टडिंग प्लांट्स, उन्हीं के समकालीन है, उसी समय के हैं वो भी लगभग, और ही इज क्रेडिटेड विद द फादर ऑफ बॉटनी। वन मोर थिंग टू रिमेम्बर, नोट इट ऑन योर नोटबुक्स नाउ, बॉटनी इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइटोलॉजी, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, फाइटोलॉजी। कैसे याद रखेंगे? देयर आर टू वर्ड्स, स्प्लिटिंग मैंने बोला आपको, स्प्लिट करेंगे आप, वन इज फाइटॉन, ग्रीक वर्ड्स आर देयर, एंड वन इज लॉगोस, लॉगोस तो सभी बच्चों को पता है, इट इज स्टडी, एंड फाइटॉन phyton, इट मीन्स प्लांट्स, तो स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो बॉटनी इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइटोलॉजी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ओके, नाउ सी, आफ्टर बॉटनी देयर इज मॉर्फोलॉजी, द वेरी इंपॉर्टेंट branch of the biology. You are on the screen, you have a plant, you are looking at many parts of the plant, one is root, lower part is root which is in the pot, above part is called stem, having apical part, flower, very attracting part is flower. Okay, what is basically the morphology? Main aapse pooch raha hu kuch, ab aap mujhe jawab denge. Maine ये ट्विग होल्ड किया है, पत्तियां होल्ड की हैं बच्चों, ये किस चीज की पत्तियां आप मुझे बताइए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस एग्जैक्टली राइट, ये मैंगो की है। कैसे पहचाना आपने? बिल्कुल सही, आपने शेप देखा, कलर देखा, बनावट देखी, तभी पता लगा ना। तो ये जो आपने देखा, ये मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस प्लांट है। ऐसे ही आप पीपल की मॉर्फोलॉजी को देखते हैं, ऐसे ही आप ह्यूमन बींग की मॉर्फोलॉजी को देखते हैं, ऐसे ही आप मॉर्फोलॉजी को देख के किसे पहचान जाते हैं, लाइन को पहचान जाते हैं, डॉग को पहचान जाते हैं। ओके, देन व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, लेट्स सी द वर्ड अगेन, इट इज द मैटर ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ दिस वर्ड। मॉर्फोलॉजी, इट कंसिस्ट ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, वन इज मॉर्फोस मीनिंग, मॉर्फोस मीनिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओके, ऑन द स्क्रीन यू विल सी, मॉर्फोस मीनिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक शेप एंड साइज, जो बाह्य जो गुण है जैसे बनावट और आकार, और लॉगोस मीन स्टडी। तो व्हाट इज मॉर्फोलॉजी नाउ? इट इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ है, इसलिए बोल सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो क्या आपके पास स्टडीज होगा, जो ब्रांच उसको स्टडी करेगी वो मॉर्फोलॉजी होगी। Let's take one more example. You will see here, I am showing you one more plant leaf. Yes, what is this? बोलिए बच्चों, ये क्या है? आप यहां देखेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने, ये क्या चीज है? ये किस चीज का लीफ है बेटा? बिल्कुल बच्चों, आपने इसे कहा अरबी, जिसे आप कहते हैं और हम अपनी भाषा में कचालू कहते हैं, कचालू। और बोटेनिकल लैंग्वेज में क्या कहेंगे मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, इट इज कॉल्ड कोलोकेशिया। मैंने पहले भी कहा है कि आपको डरना नहीं है, आपको रिमेंबर, यू विल रिमेंबर इट विद द टाइम, कोलोकेशिया एस्कुलेंटा। देखिए, आपको नई बात पता लगी आज, तो ये तो काफी इंटरेस्टिंग फील्ड है, हमें सारी बातों का पता चलेगा। और पहचाना कैसे बच्चों आपने? आपने अभी देखा, आपने एक मैंने आपको लीफ दिखाया था, दिस इज ऑफ मैंगो एंड दिस इज ऑफ कोलोकेशिया, मैंगो मैंगिफेरा इंडिका, बताऊंगा भी धीरे धीरे। हमने दोनों को डिफरेंशिएट किया, किस बेस पे किया बेटा? दैट मॉर्फोलॉजी बेस्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी, वन मोर ब्रांच इज देयर एंड इट इज एनाटॉमी। व्हाट इज एनाटॉमी? सी हियर ऑन द स्क्रीन, यू हैव अ पिक्चर हियर, द इंटरनल ऑर्गन्स आर देयर। ओके, दीज आर विजिबल टू अस, दीज आर ओके,
मैं आपसे पूछता हूं कि मेरी मॉर्फोलॉजी क्या है, तो आप मुझे बताएंगे कि ये कान है, दो कान है, एक नाक है, हेयर जैसे हैं, ये पैटर्न है, ये मॉर्फोलॉजी। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि मेरे अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर है, कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, तो आप क्या करेंगे बच्चों? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। क्या करेंगे? आप मुझे कट करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे क्या क्या आप बता देंगे। ऐसा ही करना पड़ेगा। दिस इज एन ऑर्गन। आफ्टर वन कट यू विल सी द ऑर्गन्स देयर। कट करने पे जो नीचे दिखाई दिया वो क्या था? वो ऑर्गन्स थे। तो ऑर्गन लेवल की जो स्टडी हुई वो एनाटॉमी हुई। हाउ टू रिमेंबर दिस अगेन, सी हियर, एनाटॉमी वर्ड कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, ग्रीक वर्ड्स। वन इज एना मीनिंग एज अंडर, टेमेनिन मीन टू कट, मतलब कट करने के बाद नीचे क्या दिखाई दे रहा है वो एनाटॉमी हुआ। सो द ब्रांच ऑफ द साइंस ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल फैक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट द लेवल ऑफ ऑर्गन्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप आफ्टर वन कट। मैंने कहा था अभी आपसे कि हम हिस्टोलॉजी भी देखेंगे, पर बॉटनी के केस में पर्टिकुलरली आपको बता दूं, रिमेंबर ऑलवेज इन बॉटनी एनाटॉमी वर्ड इज यूज फॉर बोथ ऑर्गन एंड टिश्यू लेवल स्टडी। वी नो सेल विल फॉर्म टिश्यू, टिश्यू विल फॉर्म ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, पढ़ा है आपने 9th क्लास में। तो हम जब टिश्यू के लेवल की स्टडी करेंगे तो उसे एनिमल के केस में हिस्टोलॉजी कहेंगे, अदरवाइज बॉटनी में एक ही नाम होता है, आप इतना याद रख लीजिए। अभी हम क्लियर करते हैं हिस्टोलॉजी में, व्हाट इज हिस्टोलॉजी। यू विल सी हियर द स्ट्रक्चर ऑन योर स्क्रीन, द पिक्चर ऑन योर स्क्रीन इज शोइंग द लीफ स्टोमेटा। लीफ का स्ट्रक्चर है और स्टोमेटा आप उसमें देख रहे हैं। ये टिश्यू है, ये सेल की लेवल की स्टडी है, ये टिश्यू लेवल की स्टडी है। टिश्यू लेवल की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। कैसे याद रखेंगे? अगेन द स्प्लिटिंग ऑफ द वर्ड विल बी देयर। हिस्टोस, टू ग्रीक वर्ड्स आर देयर, वन इज हिस्टोस, वन इज टिश्यू। द वर्ड हिस्टोलॉजी कंसिस्ट ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, वन इज हिस्टोस, वन इज टिश्यू, मीनिंग टिश्यू। हिस्टोस मीनिंग टिश्यू एंड लॉगोस मीनिंग स्टडी। सो हिस्टोलॉजी इज नथिंग, इट द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट द लेवल ऑफ टिश्यू विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप आफ्टर टू कट्स। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहला कट दिया तो आपने ऑर्गन्स देखे, उसमें पता लगा कि भाई इसमें तो ऑर्गन कौन कौन से हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये ऑर्गन जो हार्ट है या किडनीज है, ये किस चीज के मिलने से बनी है? देन यू हैव टू गिव वन मोर कट ऑन द किडनी एंड देन पुट अ वेरी थिन सेक्शन ऑन द स्लाइड। एक और कट देना पड़ेगा, फिर स्लाइड के ऊपर रखना पड़ेगा, और वो होती ही माइक्रोस्कोप की हेल्प से है। एनाटॉमी आपने कैसे स्टडी करना एनिमल में? विद योर नेक्ड आई, खुली आंखों से, और हिस्टोलॉजी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आफ्टर टू कट्स एंड माइक्रोस्कोप इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रिमेंबर ऑलवेज इन जूलॉजी एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी वर्ड्स दे आर यूज सेपरेटली फॉर ऑर्गन एंड टिश्यू स्टडी रिस्पेक्टिवली। इनको अलग अलग से पढ़ा जाता है। ऑर्गन की जो स्टडी है उसमें एनाटॉमी होगा, और टिश्यू की स्टडी के लिए आप हिस्टोलॉजी वर्ड रिस्पेक्टिवली यूज करते हैं। देन द नेक्स्ट ब्रांच इज फिजियोलॉजी, द वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच। सी हियर, we are watching the picture having the two neurons and there is a secretion of something is there. ye physiology kya hota hai? dekhiye hum log khana khate hain na khana, aap bhi khate ho, main bhi khata hu, to usko hum pachate hain, digest karte hain. we take the food then digest it, we take the oxygen and put out the carbon dioxide, this is respiration. excretion aapne padha hoga beta, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एनिमल्स। प्लांट्स में भी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स, फ्रॉम द सॉइल टू द रूट एंड फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, देन फोटोसिंथेसिस अकर, ट्रांसपिरेशन अकर, ऑल दीज आर द प्रोसेसेस। द सम ऑफ ऑल द प्रोसेसेस अकरिंग इन साइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, हाउ दे आर अकरिंग, कैसे वो प्रोसेस हो रहे हैं सारे के सारे, ये जो कंसर्न है, दिस इज द कंसर्न ऑफ फिजियोलॉजी। हाउ टू रिमेंबर इट? अगेन द फंडामेंटल ऑफ स्प्लिटिंग इज देयर, स्प्लिटिंग द वर्ड, द फिजियोलॉजी वर्ड, डियर स्टूडेंट, इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, वन इज फाइसिस, स्प्लिट द वर्ड, फाइसिस मीनिंग फंक्शन, एंड लॉगोस मीन स्टडी। लॉगोस तो याद ही हो गया ना सबको, लॉगोस मीन स्टडी।
तो फाइसिस मीनिंग फंक्शन एंड लोगोस मीन स्टडी. सो व्हाट इज फिजियोलॉजी? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फंक्शनिंग. इट इज द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी और लाइफ. तो जब फंक्शंस की बात करते हैं तो उस स्टडी को आप क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी. द फादर ऑफ फिजियोलॉजी इज क्लाउडे. देन सी हियर जेनेटिक्स. जेनेटिक्स इज द यू विल सी अ स्ट्रक्चर इन दिस. इट इज देयर एंड इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. वेदर प्लांट, वेदर एनिमल्स, वेदर वी ह्यूमन बींग्स, आर लाइफ बेसिस लाइज इन द जेनेटिक्स. ये जेनेटिक्स के अंदर होता है. तो जेनेटिक्स क्या है मैं बताता हूं. द जेनेटिक्स हैव इट्स ऑरिजन. द वर्ड जेनेटिक्स हैव इट्स ऑरिजन इन द ग्रीक वर्ड जेनेसिस मीनिंग ऑरिजन. बेसिकली जो उत्पत्ति है वो किस चीज से हो रही है? वो जेनेटिक मटेरियल से होता है. पढ़ेंगे हम इसके बारे में. दिस टर्म इट वॉज गिवन बाय द विलियम वेटसन इन द 1905. ओके, तो जेनेसिस का मतलब है उत्पत्ति. बेसिक जहां से ऑरिजन हो रहा है, जहां से गुण आ रहे हैं, जहां से कैरेक्टर्स आ रहे हैं. हमने देखा है कि मां बाप से बच्चों में गुण जाते हैं. यू पीपल यू आर सिमिलर टू योर पेरेंट्स. आपके गुण मिलते हैं, कुछ गुण आपके आपकी जो फादर है उनसे मिलते हैं, पैटर्नल साइड से मिलते हैं. कुछ एक मदर मैटर्नल साइड से मिलते हैं. पैटर्नल, जब मैं बात कर रहा हूं फादर की, इट मीन पैटर्नल पेरेंट्स, दादा दादी परदादा जो भी है. इधर जब मैं मदर की बात कर रहा हूं इट मीन्स मैटर्नल पेरेंट्स, दैट मीन्स मदर ग्रैंड मदर, है ना, जो इस तरह से आगे के रिलेशन मदर वाले हैं वो सारे के सारे, उनके गुण आपके अंदर है. कभी आपने सोचा हाउ दिस इज देयर? ये कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं? इसकी ट्रांसमिशन को क्या कहते हैं? मैं आपको बता दूं, इसकी ट्रांसमिशन जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है उसे हेरिडिटी कहा जाता है. अभी हम देखेंगे, आप स्लाइड में देखें, देयर इज अ वर्ड हेरिडिटी. हेरिडिटी क्या हुआ? व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी इज नथिंग, इट इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स. कहां से कहा बच्चों? फ्रॉम, यस, फ्रॉम पेरेंट्स टू, यस, ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग चिल्ड्रन को कहा जाता है. तो मां बाप से बच्चों ने गुणों का जाना. पर क्या हम अपने मां बाप की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज हैं? नो, वी आर नॉट, बिल्कुल नहीं है. तो कुछ वेरिएशंस भी आते हैं, कुछ गुण नए भी आते हैं, उन्हें वेरिएशंस कहा जाता है. द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड जेनेटिक्स. एंड द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज जीजे मेंडल, जेजर जोहन मेंडल. ओके, देन वन मोर ब्रांच इज टैक्सोनॉमी, द वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच टैक्सोनॉमी. मैंने लिखा, देखो, यू आर हैविंग ऑन द स्क्रीन, यू हैव द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात आ रही है. क्लासीफाई करना किस चीज को, वर्गीकृत करना किस चीज को, कैरेक्टर्स के बेस पे. कैसे वर्गीकरण का प्रोसेस होता है मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं. यू माइट हैव सीन द फिल्म्स. आपने फिल्म तो देखी हुई है. जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है, एक प्रोसेस है. बच्चा जन्म लेता है, नर्स आती है, बोलती है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव अ डॉटर, आपके यहां लक्ष्मी ने जन्म लिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो. सबसे पहले क्या किया गया? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफिकेशन किया जाता है. देन उसके बाद फिर नाम दिया जाता है. जी, अब इसका नाम सीता होगा, इसका नाम गीता होगा, इसका नाम योग होगा. ऐसा तो नहीं होता है कि हम पहले ही नाम रख देते हैं कि जी जो अब बच्चा जन्म लेगा उसका नाम होगा गब्बर सिंह, और बाद में पता चला कि देर विल बी अ गर्ल चाइल्ड और उसका नाम क्या पड़ जाएगा? गब्बर सिंह. ऐसा नहीं होता है. पहले आइडेंटिफिकेशन किया जाता है. इट इज द फर्स्ट स्टेप इन द टैक्सोनॉमी. दिस इज द क्वेश्चन इज बी आस्क्ड इन द नीट टैक्सोनॉमी. फर्स्ट स्टेप इज दिस. व्हाट फर्स्ट स्टेप इज? टैक्सोनॉमी का जो फर्स्ट स्टेप है वो आइडेंटिफिकेशन है. देन सेकेंड इज बेटा नॉमेनक्लेचर. वी हैव देयर, ये जो नॉमेनक्लेचर होता है ये नेमिंग होता है. इट इज गिविंग नेम. आफ्टर दैट देयर इज क्लासिफिकेशन.
फिर आप गुणों के आधार पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं. सो सी हियर नाउ, व्हाट इज टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी अगेन कंसिस्ट ऑफ, इट्स हैव द टू वर्ड्स, टैक्सिस मीन अरेंजमेंट एंड नोमोस मीन और नोमिया मीन्स रूल्स और मेथड्स. क्या रूल्स है किसी ऑर्गेनिज्म को अरेंज करने के? क्लासिफिकेशन इज अरेंजमेंट, अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट. तो आइडेंटिफिकेशन और नोमेनक्लेचर ने रूल्स लगाए और उसके बेस पे हमने क्या करना होता है, क्लासिफाई करना होता है ऑर्गेनिज्म को. एंड दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. बेटा दिस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी एंड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज कार्लस लिनेस. हु इज ही? कार्लस लिनेस. देन वन इज द सेल बायोलॉजी. दिस इज द सेल. यू नो व्हाट इज सेल? यू माइट हैव स्टडीड इन द 9th क्लास. सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. जीवन का आधार है, जीवन की स्ट्रक्चरल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है सेल, कोशिका जिसे कहते हैं. इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1665 बाय द हूम. किसने सेल को डिस्कवर किया था बेटा? सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. आप नोट करते रहे अपने अपने नोटबुक से, बी वेरी एक्टिव. इन 1665 इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. इज वेरी इंपॉर्टेंट. To study the all the aspects of cell, this science is called cell biology. और cell शब्द कहां से आया? It have been derived from the Latin word cella, which mean empty chamber, जो Robert Hooke ने देखा था. Robert Hooke ने, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, अगली क्लासेस में हम काफी डिटेल में करेंगे. इन्होंने स्टार्टिंग में यह देखा था, जब इन्होंने स्टडी किया था तो इन्होंने पाया कि वो जो है, वो जो सेल होते हैं वे एम्प्टी चैम्बर्स के रूप में होते हैं और यहीं से सेल वर्ड आया था. एंड द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ सेल, द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड द सेल बायोलॉजी. एंड द डिस्कवरी ऑफ सेल इज डन बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665. माय डियर फ्रेंड्स, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल मीट एंड वी विल डिस्कस इन डिटेल द सिलेबस ऑफ द 10+1 बायोलॉजी. Now you people are able to understand the various branches that we are going to study. Then we will also discuss some characteristic of our which the a biologist must have. Now you people are biologist. आप हैं biologist. आप विषय के biologist हैं. हम आपको biologist बनाएंगे. आपके अंदर क्या गुण होने चाहिए वो पता होना चाहिए. Then जब तक हम आपको ये बताएंगे, next class तक, till the time you will search for various other branches. Right? I have told you there are more than the 100 types of the branches are there. So kindly search these. Make a list of these. Make their list in your notebook. Okay? Ye aapke liye homework de raha hu. Kindly do it. Learn whole of the content thoroughly. Jo maine aapko padhaya. Please aap isse padhe. Then see you in all in the next class, my dear friends. And till the time, bye. Thanks you lot. थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स. मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए आप सभी को कोरोना नमस्कार.